गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास 4 के बच्चे बुक पे नंबर 13 पे तस्वीरों की पहचान कर जुमलों में मुकम्मल कीजिए। यानी ये तस्वीर पहचाननी है, बॉक्स में वो उसका नाम लिखना और ये जुमला मुकम्मल होगा। जैसे ये वर्ड है कोई, ये है वुड कटर, इसको बोलते हैं हुद हुद, तो यहाँ लिखेंगे हुद हुद उड़, ऐसे हुद हुद उड़, ये मुकम्मल हो गया वाक्य जुमला। और दूसरा है ये फूल है, तो फूल को उर्दू में बोलते हैं गुल, तो लिखेंगे गुल चुन ले, यहाँ से लिखेंगे गाव पेश लाम गुल, गुल चुन ले। फिर लिखेंगे ये देखो पुल है, तो यहाँ लिखेंगे पुल पर चल। सभी ऊ की मात्रा वाले ये उर्दू वर्ड हैं, तो पे पेश लाम पुल, पुल पर चल। अब देखो ये गाय का चित्र है बेटा, इसमें सिर्फ एक पार्ट उसका देखना जो आपने पढ़ा है, हमने दुम पढ़ा है, तो यहाँ लिखेंगे दाल पेश मीम, दुम को देख, दाल पेश मीम दुम, दुम को देख। फिर पढ़ते हैं ये हुद हुद, ये बुड कटर को बोलते हैं हुद हुद उड़। फिर फूल को बोलते हैं गुल, गुल चुन ले। फिर ये पुल, पुल पर चल। फिर है ये गाय की दुम है, दुम को देख। अब नीचे आते हैं, अल्फाज के हरूफ को अलग अलग करके लिखिए, यानी खोल के लिखना है। ये वर्ड है पुल, तो जहाँ लिखेंगे पे पेश लाम पुल, ये पे आएगा इधर, फिर ऊ आएगी मात्रा, फिर लाम आ जाएगा, तो ये इसका स्पेल खुल, इसका जवाब हो गया। फिर है चुग, यहाँ चे पेश गाफ चुग, चे लिखेंगे, फिर इसके ऊपर ऊ की मात्रा डालेंगे पेश की, फिर लिखेंगे गाफ चुग। फिर आएंगे सुन, सीन पेशु, इधर आएगा नून सुन। फिर आएगा मुड़, मीम पेश मु, तो इधर आएगा रे मुड़। अब ये नीचे जो बेटा है, हरूफ को जोड़कर लफ्ज लिखिए, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन आपने जोड़ के लिखने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ये देखिए गा पेश लाम, तो जहाँ गुल लिखना है, गुल आपने भी इसे पढ़ा है, ये लिखा है जीम पेश से जुट, आध पहला का आधा साइन आएगा, दूसरा पूरा आएगा, ऊपर मात्रा लगेगी ऊ की। फिर उसके बाद है सुन, सीन पेश नून सुन मिला के लिखना है इधर। फिर है बे पेश से बुत, यहाँ बुत मिला के लिखना है। अब आइए नीचे, सही लफज चुनकर खाली जगह को भरना है, ये मैं अभी भर देता हूँ, लेकिन जो बीच वाला है हरूफ को जोड़ के आपका होमवर्क है। तो लिखेंगे हुद हुद, ये दो वर्ड हैं, खाली जगह भरनी है, कर उड़, तो हुद हुद एक एक पक्षी होता है, एक परिंदा होता है जो उड़ता है, जैसे वुड कटर को बोलते हैं हुद हुद, तो हुद हुद उड़, यहाँ उड़ लिख देंगे। इस दोनों लेटर से ये वाक्या पूरा हो गया। अब लिखे गुल डैश ले रुक चुन, तो गुल फूल होते हैं, इसको चुनते हैं, तो गुल चुन ले, चे पेश नून चुन, ऐसे चुन ले। अब नीचे आते हैं डैश पर चल पुल मत, तो इस पुल पर चल, तो इधर लिख देंगे पे पेश लाम पुल, तो ये वाक्य पूरा हो गया जुमला, पुल पर चल। हुद हुद दाना डैश चुग जा, तो यहाँ चुग लिखेंगे, हुद हुद दाना चुग, ये चे पेश गाफ चुग, ये आपका पेज मुकम्मल, पेज नंबर 13 मुकम्मल हो गया। ये आपका ये गा पेश लाम गुल, ये आपने लिखना मिला के, ये आपका होमवर्क है। ये मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, सही लफ्ज चुनकर खाली जगह पूर कीजिए। हुद हुद डैश कर उड़, जहाँ उड़ लिखना है, गुल डैश ले गुल चुन ले, तो फिर नीचे आएंगे डैश पर चल पुल पर चल, फिर नीचे लिखेंगे हुद हुद दा, हुद हुद दाना चुग, चे पेश गाप चुग। तो जी आज का लेसन बस इतना ही, ओके।